हेलो। हाँ बेबी, मैं क्या कर रहा हूँ? मोटिवेट कर रहा हूँ। क्या मजाक है किसे? मोटी मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। अजीब गर्लफ्रेंड है मेरी। एक बार मास्टर जी ने उससे कहा कि अपना नंबर बताओ, तो कहती है सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे जबकि टीचर उससे उसका रोल नंबर पूछ रहा था। तो दोस्तों, आजकल धोखा हर चीज में हो रहा है। अगर सब्जी लेने जाओ तो आजकल सब्जियों का कलर करके उसकी सूरत बदल देते हैं। अरे फल ताजा नहीं मिलते हैं। रेस्टोरेंट में जाओ तो स्वादिष्ट खाना नहीं मिलते हैं। और एक बात और, ऑनलाइन कोट ऑर्डर करो तो पेटीकोट भेज देते हैं। सोशल मीडिया पे कैमरा फिल्टर करके धोखा मिल रहा है। शादी में मेकअप करके धोखा मिल रहा है। तो ऐसे ही धोखा मिला जब चंपारण के एक लड़के को उसकी शादी में, तो वो बैठ गया मेकअप के खिलाफ धरने पे। आइए देखते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अबे रम खिलाओ ना, तो का पता है हम लोग यहाँ कहाँ आए हैं और तुम लोगों को अंग्रेजों ने अपने साथ कहाँ ले चले गए? पता है किस लिए आए हैं हम यहाँ पे? किस लिए आए हैं यार? किस लिए आए हैं? धरने पे आए हैं। मूली को शकरकंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ले सुन, ले रहे सुन, पूरा 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 पहले पूरा नारा सुन ले, नहीं कान के नीचे मारेंगे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं सुनाई देगा। सुनो, मूली को शकरकंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, बंद करो, बंद करो, ब्यूटी पार्लर बंद करो, बंद करो। कैमरामैन आइए, रिपोर्टर रिपोर्टर आए, ठीक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अजीबोगरीब प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या मुद्दा है इनका। तो भैया बताइए। मुंह न मत घुसे, अड़िए हम चबा लेंगे भूखे बैठे। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए। हाँ तो बताइए कि आप लोग मेकअप क्यों बंद कराना चाहते हैं? मेकअप दिख रहे हैं कैमरे में, दिख रहे हैं। हाँ, हाँ। क्यों क्यों ना बंद कराएं? हाँ पता है मेकअप की वजह से कितना धोखा मिल रहा है। मंजू से शादी करो और फिर शादी के बाद जैसे मेकअप हटाओ, मंजू के अंदर से मनोज निकल रहा है। अब क्या बताएं, हमारी शादी में ना, जब सुहाग रात में, हमारी बीवी की तो दाढ़ी और मूंछ भी निकल आई थी। भगवान, ये तो खुद है भुक्त भोगी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मूली को शकरकंद करो, बंद करो, बंद करो, लड़कियों का मेकअप बंद करो, लड़कियों का मेकअप बंद करो। ठीक, आपका राइमिंग ठीक मैच नहीं कर रहा है। अरे यार, हम यहाँ मुशायरा करने बैठे हैं, जो राइमिंग मिलाएंगे। अरे यार, हम घर में बैठे हैं, समझो भाग्यवाद। ठीक है, मगर एक बात बताइए कि आप लोग किसी लड़की को मेकअप करने से रोक कैसे सकते हैं? दिख रहा पूरा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं धरने पे बैठा हूँ, ताकि सरकार औरतों के मेकअप के खिलाफ बिल पास कर सके। मेकअप करते हैं, जो मेकअप करती हैं औरतें ना, उनका चालान कटना चाहिए। हाँ। आप बताइए, घर की पुताई हम साल में एक बार करते हैं, वो भी दिवाली का। हाँ। औरतें मेकअप रोज करती हैं, ये कौन सा न्याय है? भाई साहब, हमारे साथ धोखा हुआ है वो तो ठीक है, हमारे बाबूजी के साथ भी धोखा हुआ यार। तो मतलब आपकी मम्मी भी मेकअप करती है? नहीं बे, तुमको रिपोर्टर कौन बनाया बे? इधर लो, बताते हैं। हमारी शादी में हमारे बाबूजी जिसको रात भर समधन समझकर छेड़ते रहे ना, सुबह समधी निकले। ए मेरे बाबूजी, बात हमारे कान पे हुई। ए क्या बाबूजी के बारे में बता? अच्छा, रहे एक बात छोड़िए, आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। क्यों? ही क्या करे, जो पड़ी है पड़ी है। हाँ भैया, मगर क्यों क्यों क्यों? सुबह जल्दी जल्दी चक्कर में शीशे में अपना खुद का मुंह देख ली। पूरा लॉकडाउन इतने लोग कोरोना की वजह से क्वारंटाइन नहीं हुए होंगे जितने उसकी शक्ल देखकर हुए हैं। भगवान का संग, अपने मोहल्ले की पहली औरत है भैया जो अपने घुटने जूड़ा बनाती है। यहाँ हंस सकते हो? अच्छा, यहाँ हंस सकते हो? यहाँ बहुत कमियां निकाल रहे हो, घर पे तो बड़ा बोलते हो, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बच्चा। हाँ, तुमको शर्म नहीं आती है? सुबह से यहाँ धरने पे बैठे हुए हो और घर पे इतने बर्तन और कपड़े पड़े, कौन धोएगा उसे? चलो चलो घर चलो चलो। अरे मेरी बेबी, अले मेला सोना, अले मेला बच्चा। बाबू, ये आदमी ना मुझसे कुछ ना कुछ बुलवाया जा रहा है, बोल रहा है मैं अपनी बीबी से तंग आ चुका हूँ, मुझे न्यूज बनवानी है नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आदमी क्या भैया, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? चले आए हैं मुंह उठा के। यहाँ ऐसा है ना, चले जाइए यहाँ से, वरना मुक्का मार के ना आपका माइक तोड़ देंगे। चले निकलिए।
बाबू मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसी लग रही हो जैसे भोले बाबा गले में नागिन लिपटी हो। अब कुछ नहीं बेबी, वो तितली देखी हो? कौन वो, अरे वो देखो देखो देखो, तुम देख ही नहीं पा रही हो, वो देखो ऐसी तितली कभी देखी ही नहीं होगी। नहीं दिख रही है? हम थोड़ा अच्छे से देखो बाबू। अरे भागते कहाँ, रुको तुमको बताते। तो क्या लगता है, क्या ये नागिन अपने शिकार को डस पाएगी? मेरा मतलब है कि क्या ये पति अपनी पत्नी से बच पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हंसी की रेल छूट ना जाए। इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वाह भाई वाह, लड़के की मांग तो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई अगर मेकअप बैन हो गया तो औरतें खुद का चेहरा देखकर डर जाएंगी। अरे ये खूबसूरत दुनिया डरावनी हो जाएगी, और मेकअप हटने के बाद तो अपनी बीबी भी टार्जन नजर आने लगती है। खैर ये बात रही मेकअप की, लेकिन सासर हमें कुछ शराबी लोग, मतलब मैंने पी नहीं है, कुछ शराबी लोग की बात कर रहा हूँ। वो लोग भी बैठ गए हैं धरने पे। अब शराबी लोग किस बात को लेकर धरने पे बैठे हैं, आइए देखते हैं कि सासाराम में शराबी धरने पे क्यों बैठे हैं। हाँ चालू करो भाई, चालू करो, प्रदेश में शराब चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो, प्रदेश में शराब चालू करो। हाँ जीने के लिए मेहरारू चाहिए यार, पीने के लिए दारू चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का प्रदर्शन चल रहा है। आइए इनसे जानते हैं, आप लोग दारू वापस चालू कराना चाहते हैं, लगता है बहुत बड़े लेवल के शराबी हैं आप। बहुत बड़े शराबी हैं हमारे पापा तो, इतने बड़े शराबी हैं कि 3 पैग क्वार्टर का ऐसे बनाते हैं कि थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं, एकदम साइंटिस्ट जैसे काम करते हैं। इतने बड़े शराबी थे? हाँ इतने बड़े शराबी, इधर देख के बोलू। हाँ देख के बोलना है। हाँ तो भैया इतने बड़े शराबी थे कि खिचड़ी भी जो है ना बियर से बनाते थे। और बताएं हम अपनी शादी में इतने दारू पी लिया कि 3 फेरे मम्मी के साथ, अब बाकी 4 फेरे पंडित जी के साथ लिए। मगर देखिए आप ये बताइए कि आप लोग शराब क्यों चालू कराना चाहते हैं? अरे भैया क्यों चालू ना कराए, बताइए। 20 रुपए का शराब के लिए 150 रुपए भाड़ा देना पड़ता है, और उसके ऊपर पुलिस अगर पकड़ ले तो 500 रुपए फाइन भी भरना पड़ता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं भाई चालू करो, भाई चालू करो, प्रदेश में शराब चालू करो, चालू करो भाई, चालू करो। देखिए मगर आपको पता है ना कि शराब पीने से बहुत सारा नुकसान होता है। अरे हमको शराब नहीं पीने से बहुत नुकसान हुआ है। क्यों भाई? वो कैसे? अरे वो ऐसे कि हमको अपने बेटा के लिए इंग्लिश का ट्यूशन लगवाना पड़ा। मतलब समझे नहीं? अरे मतलब ये है कि पहले जब हम शराब पीते थे ना तो इंग्लिश फटाफट यू गोइंग कमिंग आउट गोइंग सब बोलते थे, लेकिन अभी क्या है ना शराब जो है बंद हो गया है, इसलिए अब इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। यू नो ना इंग्लिश स्पीकिंग सीखिंग बस 2 पैग में लिटिल बिट। एक बात बताइए कि मान लीजिए सरकार ने वापस शराब शुरू कर दी, मगर आप फिर पीने लगेंगे तो आपके घर को कौन संभालेगा? बगल घर को कौन संभालेगा? अरे जब लॉकडाउन में शराबियों ने देश की अर्थव्यवस्था संभाल ली तो घर के दी थे। लेकिन चालू होना चाहिए शराब। अरे देखिए आपको समझना चाहिए कि शराब बंदी से ना सब परिवार वाले खुश हैं। हमारे घर वालों में तो मातम है। वो कैसे? क्योंकि हमारे घर वाले शराब बेचते थे। आपको पता है ना शराब बंदी के बाद हमारा घर का रेंट भी लग रहा है, क्योंकि पहले शराब पी के हम कहीं भी गिर के पुर के रह लेते थे, लेकिन अभी जो है ना घर का रेंट देना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है। क्यों? सही। चलो बेटा अब तुम चारों निकलो यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से, हमारा टाइम हो गया। चारों मतलब हम तो अकेले हैं, लेकिन हमें जो है ना 9 बजे के बाद 4-4 लोग दिखाई देते हैं। शुक्र करो कि तुम अभी तक हमें आदमी दिख रहे हो, नहीं तो 9 बजे के बाद ना आदमी हमें औरत दिखती है और हम उसके पप्पी में बैठे। अरे चलो पप्पी दो। दोस्तों इसके पहले कि ये हमारी पप्पी ले ले, यहाँ से निकल जाने में फायदा है। तब तक आप लोग देखते रहिए हंसी की रेल छूट ना जाए। चलो करो भाई, चलो करो, प्रदेश में शराब चालू करो।
हाँ तो भैया, शराबियों की बात तो आपने सुन लिया, लेकिन क्या पूरी होंगी उनकी मांगे? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, तो मत पीजिए ना। और अगर कुछ आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, तो वो है आपका अपना शो, हंसी की रेल छूट ना जाए। प्रधान के मौसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद भाई मुर्दाबाद, प्रधान के मौसी मुर्दाबाद, प्रधान के मौसी काल पर झंडू सी लगा रखा है, प्रधान के मौसी मुर्दाबाद, प्रधान के मौसी मुर्दाबाद। एक बार बताओ पूछिए तो हमारा मौसी से क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम नहीं है भाई, है? चुनाव से पहले वो वोट के लिए हमारे सामने हाथ जोड़े थे, और चुनाव के बाद हम उनके सामने हाथ जोड़े, और वो संपत्ति तो ये बताओ हाँ? हम अपना खेत बेच के पूरे गांव को बियर पिला दिए, बीवी का गहना बेचकर तुम लोगों को चुनाव के समय मुर्गा खिलाए, तो सब वसूल नहीं करेंगे क्या? अच्छा, और जब से प्रधान बने हो सबके घर में बिजली के मीटर कहाँ लगवा दिए? हाँ तो अच्छी बात है ना बच्चों, क्या अच्छी बात है? हे भैया, अपने घर का मीटर दूसरे के घर में लगवा दिए, बिजली इनके घर आती है और मीटर वो लोग भरते हैं, इसीलिए भैया हम तो कहते हैं चेंज करो भाई, चेंज करो। समझ गए हो बच्चों, कितना भी चिल्लाए लो, मिमियाए लो, लेकिन हमारी प्रधानी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार गांव में हम देसी मुर्गा के साथ चिल्ड बियर दे रहे हैं, और इस बार ना गांव में 440 वोल्ट की बिजली भी लाए हैं। एक हफ्ते से पूरे गांव में अंधेरा है। सुनो, गांजा फूंक के आए हो क्या? अरे बाप बता दे, जो 440 वोल्ट की बिजली लाए है ना, अरे पूरा गांव मोहल्ला आरा दरभंगा सासाराम बलिया सिवान सब रोशन कर देगी। अच्छा, लेकिन हमें तो दिखे नहीं। अरे अभी दिखाई देते हैं, ये बिजली। वाह प्रधान जी, ऐसी बिजली देखकर पूरा बदन में करंट दौड़ पड़ा है, बिना मीटर के ही दिल का तार झनझना पड़ा है। तो क्या आप अभी भी प्रधान जी का विरोध करेंगे? नहीं, प्रधान जी ने बिजली को बुलाकर जो झटका दिया है, अब तो मेरा नारा भी चेंज हो गया है। दुनिया को कहने दो इसी प्रधान को रहने दो, दुनिया को कहने दो इसी प्रधान को रहने दो, दुनिया को कहने दो इसी प्रधान को रहने दो। ए प्रधान जी, एक बात बताइए, आप थोड़ा विकास की भी बात कर लें। अरे जब बिजली आ गई है तो विकास भी आ जाएगा। ठीक है प्रधान जी, है समझ रहे हैं? आओ बिजली, सुनो चलो तुमको गांव दिखाते हैं और खेत में विकास की बात करेंगे दोनों मिलके। जी हाँ जी, और हम कह रहे थे कि जैसे कि भैया ऐसे का कुछ और कुछ देख रहे हैं, अरे आप लोग को भी ऐसी बिजली और ऐसा विकास चाहिए तो देखते रहिए वह प्रोग्राम जहाँ हर दिल मुस्कुराए, हंसी की रेल छूट न जाए। गुड मॉर्निंग। हाय देखा भाई साहब, भाई साहब क्या अखबार में छपा है देख रहे हैं? पड़ोसी ने खिला के लिट्टी चोखा और भौजी को दिया धोखा। क्या करें भैया, दुनिया बहुत बदल गई है। अरे वो तो कुछ नहीं है, हाँ ये वाला देखिए कन्यू छपा है, प्रेमी ने प्रेमिका को जकड़ा तो टॉर्च जला के पति ने उसको पकड़ा। भाई क्या हो गया है, देखिए ना कैसे कैसे बीबी आ रही हैं आजकल जमाना में है। देखो मेरी बीबी है, 2 मिनट अगर उसको घूर के देख लेता हूँ ना तो हमसे भी पर्दा करने लगती है। अरे कई दिन से तो उसका आंख में दर्द है मगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही। क्यों? अरे वो कहती है कि डॉक्टर आंख में झांकने लगेगा, आंख में बस जाएगा। बहुत ही भारतीय नारी है, ना हमसे झगड़ा करती है और ना हमको धोखा देती है। हाँ। वाह भाई साहब, अरे आप बहुत किस्मत वाले हैं, हमारी बीबी तो हमसे बहुत झगड़ा करती है। अरे कभी कभी तो इस बात पे झगड़ा करती है कि हम उससे झगड़ा क्यों नहीं करते हैं। आपकी बीबी तो बहुत झगड़ालू है भाई साहब। अरे हमारे घर का झगड़ा तो कभी सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता। अरे अगर ऐसी बात है ना तो उसका रास्ता है,
सुबह सुबह ही सॉरी बोल दिया कीजिए, झगड़ा खत्म। अरे एक दिन सुबह सुबह सॉरी बोल दिए थे, दो दिन तक झगड़ा की थी, बोली सुबह सॉरी काहे बोल दिए। अब भाई साहब क्या बताएं? अरे हमारे घर के बाहर तो मुस्टंडों की लाइन लगी रहती है, अरे दिन भर दूरबीन से लेके हमारे घर में झांकते रहते हैं ससुरे। मतलब आपके घर के झगड़ा देखने में लोगों को मजा आता होगा? उनको हमारी बीबी को देखने में बहुत मजा आता है। इस मामले में ना भाई साहब, हमारी जो बीवी है एकदम भारतीय नारी है, भारतीय नारी, भारतीय कपड़ा पहन के रहती है भाई साहब। भौजी प्रणाम। भाभी वो वाली किताब है क्या? कौन सी वाली? ये वाली या वो वाली? अरे वही वाली। अरे कौन सी वही वाली? पटाने वाली किताब। अच्छा है ना, पटाए गोरी गोरी या पटाए 20 साल की छोरी? अरे भौजी हमको लड़की नहीं पटाना, हमारा दिल तो भौजी पे आ गया है। तो फिर ये लीजिए, बिना ताला खोले चाबी और 2 दिन में पटाए जिद्दी से जिद्दी भाव। कितने पैसे का है? 250 रुपए। 4 बुक दे दीजिए। लीजिए। हे भगवान, 4 किताब? लमको तो लगता है ना भाई जी, इन लोगों का ना भाभी पटाने का गिरोह है शहर में। ऐसा लगता है कि जिला की सारी भाभियां खतरे में हैं, मगर उसे हमको क्या लेने देना है। मेरी बीवी तो सती सावित्री है, हम खुश इस मामले से। चलिए राजा। हाँ। हम यहाँ रेलवे स्टेशन के गार्डन में क्यों मिल रहे हैं? अरे जानू यहाँ कोई आता जाता नहीं है, और चौकीदार से मैंने सेटिंग कर रखी है, बिल्कुल सेफ है। काश तो मुझे पहले मिले होते तो आज तो मेरे पति होते। तो ये पगली, जब ड्राइवर बन के गाड़ी चलाने को मिल जा रहा है तो फिर गाड़ी का मालिक क्यों बना रहे हो मुझे? वैसे जाने एक बात बताए। हाँ। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ ना, एकदम बेचैनी सी होने लगती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मैं अपना एकदम होशो हवास खो देता हूँ। देखो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जानू। हाँ? मुझे लगता है ये प्यार नहीं बीमारी है। तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे हेलो। अरे भाई चलना नहीं चाहिए हम लोगों, जाइए और कहीं। यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? ये बुआ का लड़का है। बुआ का लड़का हूँ और क्या? तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बुआ का लड़का है। मैंने कब बोला कि मेरी बुआ का लड़का है? ये किसी और की बुआ का लड़का है। हाँ। तो किसी और की बुआ के लड़का के साथ यहाँ तक कर रही हो तुम? क्यों, आप भी तो किसी और की बुआ के लड़के हैं। तो मैंने कभी कहा है आपसे कि आप मेरे साथ क्यों रह रहे हैं? वैसे भी मैं तो यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने आई थी। हाँ हाँ मैं कढ़ाई सिखाने आया हूँ। तुम कढ़ाई सिलाई सिखाने के चक्कर में मेरा घर का पर्दा काहे फाड़ रहा है? है? और सिलाई कढ़ाई सिखा रहा है तो सामान दिखाओ, सामान कहाँ है? मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ। ऑनलाइन तो घर पे भी सीख सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत है? क्यों ना आऊँ मैं यहाँ पे, आप भी तो घर पे खाना खा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो फिर रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं खाने? बोलो। तू घर चल पल पर घर पर बता रहे हम। चलो तू रे, तू कहाँ है? अभी तुमको तो तुम मेरा बीबी से इसक लड़ाने चला है रे। रुक अभी पुलिस को फोन। फोन मत लगाइए पुलिस को, गलती हो गई है हमसे। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ूंगा? तुमको तो पुलिस में देख के रहूंगा। भाई पुलिस को फोन मत लगाइए, भगवान के नाम पे नहीं तो भाऊजी के नाम पे हमको छोड़ दीजिए प्लीज। हेलो चलो। हाँ जानू। हाँ गए गए। हाँ पति भी गया। हाँ तुम आ जाओ। हाँ ठीक है। हेलो हाजी, क्या चोरी हो गया? अरे देखिए अभी हम आ नहीं सकते हैं, क्या कि थाने में अकेले हैं, है? यहाँ से क्या तो यहाँ भी चोरी हो सकती है। ऐसा करिए आप चोर को पकड़ के यहाँ लेके आइए, ठीक है ना, हम देख लेंगे। बाहर में जाओ। अरे इसका क्या मतलब है? फोन काट दिया, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। सिपाही जी। सर देखिए ये आदमी हमको धक्का दे रहा है, एक लापटा मार दिया बेहोश हो जाए। अरे पहले हाथ छोड़ो।
ये वही लड़का है जो मेरी बीबी को पार्क में सरेआम प्यार का इजहार कर रहा था। अरे भाई है? सरेआम क्यों कर रहे थे? पार्क में पेड़ वगैरह तो होता ना, उसके पीछे चले जाते। सर हम प्रयास किए थे लेकिन ये आ गए। अरे चुप। और मैडम आप तो समझदार लग रही हैं। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए आप इस लड़के से प्यार करती हैं क्या? हाँ। क्यों, हमें क्या कमी है मैडम? अरे सर ये पूछे कि हमें क्या कमी थी। अरे चुप रहो, तुम्हें कमी था तभी ना किसी और के साथ। हाँ। जी सर। मैडम हमें क्या कमी थी, हमसे भी प्यार कर सकती है, वैसे भी मैं खाली खाली रहता हूँ। सर आज तक तो मैंने सुना था कि पुलिस ना लेडीज लोगों का रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, मगर आप तो सर आप मेरी बीबी को छेड़ रहे हैं। सर हद कर रहे हो, छेड़ रहे छेड़ रहे छेड़ लगा रखे हो, सूखे गोभी जैसा मुँह छेड़ रहे छेड़ रहे। भाई हम भी पुलिस वाले हैं, हमारा भी मन करता है कभी छेड़ने का, तो बचा लेगा क्यों है? सर मत छेड़िए, हम बचा रहे हैं। सर सर पहले सुनिए, इससे पूछिए कि इसके प्यार के चक्कर में काहे पड़ी, पूछिए इससे। क्यों पूछो, प्यारी तो किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। जी सर। अरे सर ये शादीशुदा है, शादीशुदा है। अरे तो शादीशुदा है तो क्या शादीशुदा लोग प्यार नहीं कर सकते क्या? तुम भी तो शादीशुदा हो, किससे प्यार कर रहे हैं? अरे सर मैं इससे इसलिए प्यार करता हूँ कि ये मेरी वाइफ है। अरे तो ये तुम्हारी वाइफ है लेकिन किसी की बहन किसी की बेटी भी तो है ना। हाँ है। तो क्यों दूसरों की बहन बेटी से तुम प्यार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे सर आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप उससे पूछिए पहले क्यों मेरी वाइफ को अपना गर्लफ्रेंड बना के क्यों घूम रहा है। तुमने भी तो इसकी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाया है। हाँ, इसने कुछ कहा? जी सर। हिसाब बराबर। हाँ चलो निकलो निकलो। अरे तुम भी निकलो निकलो निकलो। मैं तो चल निकल चल। अरे चल निकल चल सर। अरे सर बट चल निकल घर चल निकल। अरे मार के टांग तोड़ा। आप कहाँ जा रही हैं? थाने आई हैं, बिना रिपोर्ट लिखा है सही थोड़ी जाने देंगे। क्यों आइए रिपोर्ट लिखते हैं। तो आज की ये हंसाने और गुदगुदाने वाली यात्रा को यही समाप्त करते हैं और आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप अच्छा काम करें, अच्छा विचार रखें और दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद उस ज्ञान को समझें। तो आज अपन कलुआ के दी इजाजत। अरे अरे काल हम फिर आए असही हंसावे रुआ लोग के चेहरा पर मुस्कुराहट लावे। तब तक आप लोग देखत रहे हंसी की रेल छूट न जाए। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।